3.1, they are given you. O is the center of the circle. RM and RN both are tangent to the circle. They are given you the value of radius as 5, means OM and ON, their value will be 5. OR, they are given you as 10. We have to find out the value of MR as well as value of NR. So written here, point O is the center of the circle given. RM and RN are the tangent to the circle. That is also been given to us. The value they are given to you here, so this value. This value, we have to write it down. We will be writing it like angle OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degree. Ye both 90 degree ka hai. Kyun? Reason kya aayega? Tangent theorem. Tangent theorem. जो हम लोग का फर्स्ट थ्योरम था उसके ऊपर से हम लोगों को इसका दोनों का वैल्यू पता चल गया है 90 डिग्री. व्हाई? बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. नाउ सो दिस बिकम्स माय राइट एंगल ट्रायंगल. सो आई कैन राइट इट डाउन इन ट्रायंगल ओ एम आर कॉमा एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऊपर है ना एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90, तो एम का वैल्यू 90 डिग्री है. तो फिर मेरा पाइथागोरस थ्योरम सेम है, इसका वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. 90 के सामने वाला कौन है? ओ आर है. ओ मेरा हो गया हाइपोटेनस. सो आई राइट इट डाउन देयरफॉर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर. रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट इट आउट लाइक दिस वे. अब हम लोग को इसका वैल्यू वी हैव टू पुट इट आउट. सो ओआर का वैल्यू कितना है? 10. सो आई राइट नाउ देयरफॉर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओएफ का वैल्यू 5 है, तो मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विल बी एज इट इज. बाद में 10 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? इट इज कमिंग 100 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस एम आर का स्क्वायर. नाउ व्हाट विल हैपन नाउ? प्लस 25 100 के साथ आएगा, देन व्हाट विल बी हैपनिंग? प्लस 25 विल बिकम व्हाट? माइनस 25. सो वी कैन राइट इट ऑन लाइक दिस वे. देयरफॉर 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. करेक्ट? तो फिर मेरा एम आर का वैल्यू, देयरफॉर एम आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? इट विल बी 100 माइनस 25 इज हाउ मच? 75. देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट डाउन, स्क्वायर रूट ऑफ 75. स्क्वायर रूट ऑफ 75 का मतलब 25 इंटू 3. सो 25 इंटू 3 इज हाउ मच? 75. So we can write it down like this way. Therefore, MR is equal to क्या आएगा इसका? 25 का स्क्वायर रूट, what it is? 5 and root 3 units. Correct? तो मेरा MR का वैल्यू आया 5 root 3 units. वैसे ही NR का वैल्यू भी कितना आएगा? It will be 5 root 3 units. Therefore, we can write it down, MR is equal to NR is equal to 5 root 3 reason tangent segment theorem. That was our theorem number 2, tangent segment theorem. Correct? तो इसका reason में हम लोगों ने लिखा MR, MR एज वेल एज एन आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. वाई? बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. बोथ वैल्यू एज केम एज वॉट? 5 root 3. तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का ही सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी वैल्यू आ गया कि उनका आंसर कितना है? 5 root 3. नो वॉज अवर सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, वी गॉट इट एज 5 root 3. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू,
they are told you to find out the measurement of angle MRO. MRO का measurement हम लोग को find out करने का. We write a centimeter because they are given you centimeter in a textbook. Now we will see with the question of MRO. MRO का measurement क्या आएगा? Angle MRO is equal to question mark. Correct? This value we have to find it out. Here we got the answer as pi root 3. So this value is also how much? Pi root 3. MR or NR ka value is pi root 3 centimeter. Now in triangle MRO, if you see the triangle carefully, yahan pe ye 90 degree hai. तो 90 के सामने वाला कौन है? हाइपोटेनस 10. एंड हियर कॉमन जो वैल्यू दे गिवन यू 5. 5 किसका आधा है? 10 का आधा है. तो हम लोग लिखेंगे 5. देयरफॉर 5 इज हाफ ऑफ 10. करेक्ट. 5 किसका आधा है? 10 का आधा है. तो 5 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है? एमओ का वैल्यू है. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एमओ इज हाफ इंटू हाफ ऑफ व्हाट? 10 कौन है? OR है. सो आई कैन राइट इट डाउन OR. करेक्ट. OR इट इज. नाउ MO अगर OR का आधा है, इसका मतलब ये इंटू सीधा ट्राइंगल MOR, M वैल्यू इज 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? ये हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस का आधा है ये MO. So, if you remember the theorem of 30, 60, 90 degree theorem, what it says, side opposite to 30 degree is half of hypotenuse. Correct? So, side opposite to 30 degree is what? MO. So, here angle ka value kitna aaya? 30 degree. So, we can write it down. Therefore, angle MRO is equal to how much it will be? It will be 30 degree. We can write it down. Converse of 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle theorem. Correct? So, by converse of 30, 60, 90 degree theorem, we are getting the value of angle MRO as 30 degree. Now, what they are told you to find out? They are told you to find out the measure of angle MRN. This MRN, ये पूरा एंगल का हम लोग को मेजरमेंट फाइंड आउट करने का है. उसके लिए वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ आर एन ऑल्सो. हियर वी गॉट द आंसर है 30. करेक्ट. अगेन हियर द सेम थिंग इज दैट 90 के सामने वाला कौन है? ओ आर है. उसका मेजरमेंट 10 है. और 10 और ओ एन का वैल्यू कितना? 5 है. 5 10 किसका आधा है? 10 का आधा होता है 5. तो फिर 5 का सामने वाला एंगल कौन है? ओ आर एन है. तो ओ आर एन का मेजरमेंट भी कितना आएगा? 30. सिमिलर टू दिस इट इज बाय गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओ आर एन एज 30 डिग्री वी कैन राइट इट डाउन. सिमिलरली वी गेट मेजर ऑफ एंगल ओ आर एन इज इक्वल टू 30 डिग्री. Correct. Similar to this one, we are getting the measurement of angle ORN. This is also 30 degree. Now they are told you to find out the measure of angle MRN. We can write it down. Measure angle MRN का measurement कितना रहेगा? ये angle जिसका value 30 degree plus ORN जिसका value 30 degree is equal to how much? It will be 60 degree. So we write it out like this way. Measure angle MRO plus measure angle ORN is equal to what was our measurement of angle MRO? It was 30 degree. So I can write here 30 degree plus ORN ka value bhi kitna hai? 30 degree. So we are getting here as 60 degree. So we got the answer of angle MRN. वैल्यू कितना है हमारे पास? 60 डिग्री.
and you can write down the reason also here. Angle addition property. So like this, we have completed question number 2. It was very much easy here. Only the thing is that here you need a practice and you have to take care of the theorems also. Means 30, 60, 90 degree theorem and the first theorem which I taught you, tangent theorem, tangent segment theorem, it is dependent on that only. Now we see to question number 3.